बिलासपुर में पुलिस द्वारा 7 जमातियों की जानकारी छुपाने के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने इन 7 में से 6 कोरोना संदिग्ध जमातियों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। इसके अलावा विभाग ने 10 अन्य व्यक्तियों के सैंपल भी लिए हैं और इन सभी सैंपलों को IGMC भेजा गया है। पुलिस ने इनमें से केवल 4 के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है, क्योंकि इनमें से 2 लोग पहले भी होम क्वारंटाइन पर थे तथा एक व्यक्ति मंडी जिला से संबंध रखता है। गौरतलब है कि गत 10 अप्रैल को पुलिस की सूचना मिली थी कि बिलासपुर के 7 लोग तबलीगी जमात नई दिल्ली निजामुद्दीन में शामिल हुए थे। ये सभी व्यक्ति गत 7 मार्च को बिलासपुर से ऊना पहुंचे थे तथा 8 मार्च प्रातः 7 बजे के आसपास ट्रेन द्वारा ऊना से दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि कुछ देर के लिए ये लोग तबलीगी जमात नई दिल्ली निजामुद्दीन भी गए थे। उसी दिन 4 लोग ट्रेन द्वारा मुंबई चले गए और 3 लोग हवाई जहाज द्वारा मुंबई गए। 11 मार्च को ये सभी लोग हवाई जहाज से दिल्ली पहुंचे और उसी दिन बस में सवार होकर 12 मार्च को बिलासपुर पहुंचे हैं। इन लोगों ने अपनी यात्रा का विवरण भी छिपा कर रखा था, जिस पर बिलासपुर सदर पुलिस ने 1, घुमारवी ने 3 और झंडुता पुलिस ने 2 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें 2 लोग पहले ही होम क्वारंटाइन पर थे और 2 अन्य को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। MOH डॉक्टर परविंदर का कहना है कि विभाग ने कुल 16 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। कल शाम को बिलासपुर में हमने घुमारवी से 6 लोगों के सैंपल लिए, जो आज सुबह IGMC शिमला माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को सेंड कर दिए हैं। इसके अलावा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हमने कल 11 तारीख को शाम को 6 सैंपल्स घुमारवी से लिए थे और 9 सैंपल हमने रिलीफ कैंप से लिए हैं लोगों के, जिनमें कुछ एक फ्लू लाइक सिम्टम थे, जिसमें खांसी जुकाम बुखार का था। वो सैंपल हमने आज सुबह IGMC शिमला माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं और आज ही होपफुली शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। सर, उनमें से कोई जमात से आए कुछ लोगों के भी है? हाँ, कुल 6 लोग थे जिनकी हिस्ट्री थी, अभी वो कंफर्म होना बाकी है। उनका हमने 6 लोगों के वहां से सैंपल्स लिए और आज ही सुबह RH बिलासपुर में एक और व्यक्ति को दाखिल किया गया आइसोलेशन वार्ड में और उसकी भी ट्रेवल हिस्ट्री बॉम्बे दिल्ली वगैरह की थी, उसकी वजह से हमने एक सैंपल और लिया है और आज उसको भेज देंगे। हो सकता है कि शाम वाली शिफ्ट में उसका भी सैंपल का टेस्ट हो जाए और रात तक उसका रिजल्ट आ जाए।